वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अनरूट कैसे करें और यहाँ पे आप TWRP को कैसे रिमूव करें जैसे कि विदाउट डेटा लॉस के। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे डिवाइस में अभी रूटेड है जो कि यहाँ पे मार्च का अपडेट है। मेरे डिवाइस में आपको बता देता हूँ 1st मार्च का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मुझे मिल जाता है जो कि अबाउट फ़ोन यहाँ पे एंड्रॉयड वर्शन। तो देख सकते हो 1st मार्च का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे रूटेड है मेरा डिवाइस, उसके बाद जो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि TWRP वो भी चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फाइल डाउनलोड कर लेना है जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे PC का कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट PC के भी आप यहाँ पे ये मेथड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो boot.image आपको एक फाइल डाउनलोड कर लेना है जो कि 16.39 MB का आपको देखने को मिल जाता है। तो PC का ज़रूरत नहीं है, विदाउट PC के यहाँ पे मेथड कर सकते हो। ये मेथड में आपका रूट चला जाएगा, उसके बाद जो TWRP पे चला जाएगा और आपका डेटा सेफ रहेगा, डेटा आपका कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि पहले फ़ोन था वैसे ही रहेगा, आपका सिर्फ TWRP और रूट चला जाएगा और इस मेथड में आपको PC की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे TWRP में जाना है। तो TWRP में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। आपका डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज़ कर देना है। तो ऑफ हो चुका है, आपको पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। वॉल्यूम अप बटन को कंटिन्यूसली होल्ड रखिए जब तक कि आपका फ़ोन यहाँ पे TWRP में ना आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे डिवाइस का बूट लोडर भी अनलॉक है। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जब तक मेरा डिवाइस का यहाँ पे TWRP में बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP भी यहाँ पे है जो कि परमानेंट TWRP में यूज़ कर रहा था। तो अभी जो है मुझे TWRP नहीं होना है, यहाँ पे अनरूट होना है, तो इसके कारण यहाँ पे ये मेथड बता रहा हूँ। जो कि अगर आपके डिवाइस में यहाँ पे कोई भी अपडेट मिलता है तो आप ये मेथड यूज़ करके अपडेट कर लो, उसके बाद TWRP आप फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंस्टॉल में जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में, यहाँ पर मैं इंस्टॉल किया था तो डाउनलोड्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको IMG फाइल क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो boot.img, इसको क्लिक कर लीजिए, बूट टाइप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है, उसके बाद रीबूट आपको यहाँ पे क्या करना है, रिकवरी करना है। तो डू नॉट इंस्टॉल, तो अभी TWRP था, अभी रिबूट हो गया जो है, यहाँ पे आपको आएगा स्टॉक रिकवरी, जो कि पहले जो MI का रिकवरी रहता है वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा टाइम आपको वेट कर लेना है जो कि आपका डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक रिकवरी आ चुका है जो कि MI का रिकवरी। उसके बाद यहाँ पे मैं रिबूट कर लेता हूँ, आपको रूट भी चेक करके बता देता हूँ जैसे कि मेरे डिवाइस में रूट है कि नहीं है। तो आपको उसके लिए जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कर लेना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे रिबूट होगा सिस्टम में, थोड़ा आपको यहाँ पर ज़्यादा ही लॉन्ग प्रेस कर लेना होगा जो कि यहाँ पर रिबूट होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है, आपको यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ जैसे कि रूट। तो यहाँ पे देख सकते हो रूट चेकर से, तो यहाँ पे देख सकते हो रूट चला गया है आपके डिवाइस में, लेकिन यहाँ पे मैजिस मैनेजर है जो कि यहाँ पे इसके अंदर रूट इंस्टॉल्ड नहीं है। देख सकते हो मैजिस मैनेजर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, जो कि इसको अभी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप डेटा जैसे कि इसको अनइंस्टॉल करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अनरूट हो चुका है, TWRP चला गया है, आपका डेटा सेफ है। तो जो कि अगर आप ये मेथड OTA अपडेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि OTA अपडेट्स आपके डिवाइस में आता है तो रूट या TWRP के कारण वो अपडेट नहीं होता है, आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो अभी, जो कि आपको फाइल फ्लैश कर लेना है जैसे कि TWRP से, उसके बाद अपडेट कर लो, फिर से आप यहाँ पे TWRP इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि मैं A1 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।